हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ममता मिश्रा एंड कुकिंग। आज की रेसिपी है खट्टी मीठी चटपटी और बेहद चटकारेदार चटनी या लौंजी, और वो भी कच्चे आम या कैरी की। इन दिनों गर्मियों में ये बहुत ही अवेलेबल रहता है, हर शॉप पे आपको हरे हरे आम दिख जाएंगे। तो फिर इस चटनी को बनाइए और महीनों के लिए स्टोर कीजिए, और जब मन करे तब निकाल करके खाइए। और ये चटपटी चटनी खाने के स्वाद को 100 गुना बढ़ा देता है। तो चलिए स्टार्ट करें इस चटपटी चटाकेदार चटनी को बनाना। इस चटनी को बनाने के लिए हम हरे हरे आम लेंगे, जो बिल्कुल कच्चे आम होते हैं ना, जिसे कैरी भी कहते हैं। और एक आम मेरा 250 ग्राम का है, क्योंकि काफी बड़ा है। उसको इस तरह से हम छील करके छोटी छोटी पीसेज में कट कर लेंगे, बिल्कुल ऐसे ही। अब इस आम को मैं अच्छी तरह से धो लूंगी, तो आप 1 या 2 पानी अच्छी तरह से धो लीजिएगा, जिससे कि सारे डर्ट्स निकल जाए। और इस तरह से स्ट्रेनर में डाल करके मैं इसके सारे पानी को छान लूंगी, इसमें बिल्कुल पानी नहीं रहना चाहिए। और अब मैं एक कपड़े में इसको डाल करके, मतलब सूती कपड़ा हो, कॉटन का कोई दुपट्टा हो, या फिर कोई भी साफ कपड़ा हो, उसमें आप इस तरह से डैब डैब करते हुए सुखा लीजिए। इसको रगड़ के नहीं सुखाना है, ऐसे ही हाथों से हल्का हल्का प्रेशर दे करके आपको सुखाना है। देखिए, ये आम बिल्कुल सूख गए हैं। अब मैं इसको एक थाली में या प्लेट में निकाल लीजिए, बड़ी प्लेट में निकाल लीजिए। अब हम इसमें हल्दी और नमक मिलाएंगे। तो इसके लिए मैंने एक प्लेट में 1/2 चम्मच हल्दी और 1/2 चम्मच नमक ले लिया है, और इसको पहले एक बार मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। और अब हम इसको जो आम है ना, या कैरी है जो हमने काट के रखा है, उसके ऊपर हम इसको स्प्रिंकल कर देंगे या छिड़क देंगे। एक समान चारों तरफ से छिड़किएगा, जिससे ज्यादा ना पड़े, कहीं ज्यादा कम ना हो, बराबर हो। और इसके लिए बराबर हो, इसके लिए आप हाथ से भी इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिएगा। और इसको 1/2 घंटे के लिए हम ढक करके छोड़ देंगे। 1/2 घंटे के बाद देखते हैं, 1/2 घंटा हो गया है। अब ये देखिए, ये अच्छी तरह से हल्दी और नमक अच्छी तरह से आम में चले गए हैं, मिक्स हो गए हैं। और थोड़ा सा पानी भी इसने आम ने छोड़ा है, क्योंकि नमक डाला है ना हमने, तो थोड़ा सा पानी छोड़ा होगा। तो इस तरह से टिश्यू से आप अच्छी तरह से पोंछ लीजिएगा। ज्यादा पानी नहीं होगा, थोड़ा ही पानी होगा। जितना भी पानी रहेगा आप इस तरह से टिश्यू से या किसी साफ कपड़े से भी आप पोंछ सकते हैं। और सारा पानी अब हमने पोंछ लिया है। अब हम एक कढ़ाई लेंगे या एक पैन लेंगे, उसमें 2 से 3 चम्मच हम सरसों का तेल डालेंगे। और जब थोड़ा सा गर्म हो जाए ना, तब हम इसमें 1/2 चम्मच हींग डालेंगे, या 2 चुटकी के बराबर हींग डाल दीजिएगा। और अब इसमें हम जो साबुत लाल मिर्च होता है ना, उसको जरा सा तोड़ करके 2 या 3 हिस्से में, और 2 लाल मिर्च मैंने लिया है, और उसको तोड़ करके डाल दीजिए। और ये मैंने 1/4 चम्मच जीरा लिया है, और 1/4 चम्मच सौंफ भी लिया है। बहुत लोग सरसों वगैरह डालते हैं, पर मैं ऐसे ही सिंपल ही बनाती हूँ, और ये बहुत ही स्वादिष्ट होता है। एक बार आप मेरे तरीके से बना करके देखिए। और जब 10 सेकेंड तक तड़का अच्छी तरह से चटकने लगे ना, तब हमने आम को इसमें डाल देना है, और आम को अब हमें फ्राई करना है। तो अब फ्राई करने में हमें 3 से 4 मिनट लग जाएंगे आम को। तो आप अच्छी तरह से चलाते हुए आम को फ्राई कीजिए, और आंच को मीडियम रखिएगा, ना ज्यादा तेज ना ज्यादा कम। अगर आपको हमारी रेसिपी, हमारा चैनल पसंद आता है तो लाइक शेयर कीजिए, चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब भी कीजिए, पास के बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारा कोई भी वीडियो नया आएगा ना, तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगा। ये देखिए, हल्का भून गया है, 4 से 5 मिनट हो गया है। अब मैं आम को 1 by 1 करके सारे आम को निकाल लूंगी। तो इस तरह से अब हमारा 3 से 4 मिनट में ये भून करके आम बिल्कुल रेडी हो गया है। आम निकालने के बाद फिर उसी पैन या कढ़ाई में हम इस कप से माप करके 1 कप पानी लेंगे। और हम चीनी में नहीं बना रहे हैं, चीनी में भी ये बनता है रेसिपी, लेकिन मैं गुड़ में बना रही हूँ। तो ये हमारा गुड़ हमने लिया है 1 बाउल पूरा। अगर ग्राम में मापा जाए तो ये 400 से 500 ग्राम के करीब होगा। तो आप गुड़, और गुड़ की मात्रा आप कम ज्यादा कर सकते हैं, आप जैसा मीठा खाना पसंद करते हैं उसके हिसाब से आप गुड़ को कम ज्यादा कर सकते हैं। अब इस गुड़ को हमको मेल्ट करना है, ताकि ये पानी में अच्छी तरह से घुल जाए, और हमारी चटनी बहुत ही स्मूथ और बढ़िया बने। तो इसको इस तरह से चलाते हुए देखिए, 3 से 4 मिनट के अंदर ही गुड़ अच्छी तरह से मेल्ट भी हो जाएगा, और ये अच्छी तरह बॉईल भी होने लगेगा, ज्यादा टाइम नहीं लगता है। तो ये आप किनारे का छोड़ाते हुए देखिए, ये बॉईल भी अच्छी तरह से हो रहा है। अब हम लोग इसी टाइम पे इसमें आम डालेंगे, जो आम हमने फ्राई किया था ना,
वो आम अब हम इसमें डाल देंगे। तो आम डालने के बाद हम इसको आम को भी अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर देंगे और इसको अभी हम पकाएंगे। तो पकाने में हमको 4 से 5 मिनट और लग जाएंगे। हमें अच्छी तरह से आम को भी पकाना है क्योंकि आम को हमने सिर्फ हल्का लाल फ्राई किया था, ज्यादा नहीं फ्राई किया था। अभी आप आंच को तेज ही रखिएगा क्योंकि अभी एक बॉयल आना जरूरी है। एक बॉयल आ जाए तब जाके हम इसको स्लो कर देंगे। तो बस 2 से 3 मिनट लगेगा आपको। ये देखिए अच्छा बॉयल आने लगा है। अब मैं आंच को स्लो कर दूंगी ताकि ये अच्छी तरह से पक जाए, आम अच्छी तरह से पक भी जाए और इसकी जो खट्टापन है ना वो चटनी में चली जाए, जिससे चटनी का जो सीरा होगा वो भी बहुत चटपटा बने। ये देखिए अब हमारा ये पक करके हो गया है, 3 से 4 मिनट हो भी गया है। अब मैं एक आम लेकर के उसको फॉर्क के मदद से हल्का सा प्रेस करके देख रही हूँ। ये बिल्कुल परफेक्ट बना हुआ है, मतलब अब ये बन करके रेडी हो गया। अब मैं सीरा को भी आपको दिखा रही हूँ कि कितना गाढ़ा बना हुआ है। तो इतना ही गाढ़ा हमें सीरा चाहिए, ना बहुत ज्यादा पतला ना जो बहुत ज्यादा गाढ़ा। और अभी मैं आपको इसको हाथ में चेक करके दिखाती हूँ कि कैसा बना हुआ है। ये देखिए ये एक तार जैसी बन रही है ना, एकदम पतली सी तार, बस ऐसा ही सीरा हमें बना करके रेडी करना है। अब ये बिल्कुल बन करके चटनी रेडी हो गया है। अब मैं इसमें थोड़े मसाले डालूंगी। तो ये जो मसाला है मैंने जीरा, धनिया और लाल मिर्च को फ्राई करके उसको पीस के बनाया है। साथ ही हम ले लेते हैं ये मैंने कुटी हुई लाल मिर्च रखा हुआ था, मैंने घर पे बनाया हुआ था, जिसे चिली फ्लेक्स करते हैं, जो बहुत ही चटपटा और तीखा होता है, तो वो मैंने इसके अंदर में डाल दिया है। और हाँ, मैंने चिली फ्लेक्स लिया है 1/2 चम्मच और जो मैंने जीरा और धनिया का पाउडर लिया था ना वो मैंने 1.5 से 2 चम्मच लिया है। और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दीजिए। ये मैं आपको पास से दिखाती हूँ कि इसका लुक टेक्सचर सब कैसा लग रहा है। बहुत ही यमी और बहुत चटपटा बनता है ये, और इतनी ज्यादा टेस्टी होता है कि मैं क्या बताऊं। आप एक बार बनाएंगे तो आप गर्मियों में हर बार बनाएंगे। अब आप करिए फ्लेम को बंद और थोड़ी देर इसको ठंडा होने दीजिए, फिर हम सर्व करके दिखाते हैं कि कितना अच्छा बना हुआ है। ये देखिए मैंने बाउल में इसको सर्व कर दिया है। कितना प्यारा दिख रहा है, कलर ही इतना सुंदर दिख रहा है ना, मैं क्या बताऊं। ये कलर सिर्फ गुड़ से आता है, चीनी से थोड़ा व्हाइट व्हाइट सा रहता है। ये मैं आपको पास से दिखा रही हूँ, है ना एकदम चटपटी मजेदार रेसिपी। तो आप बनाइए अपने घर पे और अपने अपने घर वालों को सबको खिलाइए, सबको बहुत पसंद आएगी, इसकी गारंटी मैं लेती हूँ। और इसी के साथ ये वीडियो मैं यही खत्म करती हूँ। वीडियो देखने के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।